नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज के इतिहास में। देश विदेश के इतिहास में एक जून के दिन यानी आज के दिन में बहुत सी घटित घटनाएं, विदा लिए महान व्यक्ति और जन्म लिए व्यक्तियों से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें सीख दे जाती हैं। तो आइए आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के बारे में। आज के दिन यानी 1 जून को पूरे विश्व में बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस खास दिन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस को अंग्रेजी में इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन कहते हैं। संपूर्ण विश्व में हर साल 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो कि साल 1950 से मनाया जाता आ रहा है। इसकी शुरुआत का निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस का इतिहास ये बताता है कि रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। 1 जून 1950 को दुनिया भर के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया। यह दिवस सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय उत्सव माना जाता है, जो कि साल 1950 से मनाया जाता है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन रूस की राजधानी मॉस्को में भांति भांति की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें बच्चों को पुरस्कार बांटे जाते हैं। नृत्य संगीत के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं और साथ ही विभिन्न प्रदर्शनियां तथा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। मॉस्को के स्कूल छात्रों के लिए घुड़सवार और पैदल प्रहरियों की ड्यूटी बदलने की समारोही परेड होती है, जिसमें राष्ट्रपति रेजिमेंट के सैनिक भाग लेते हैं। रूस में आज के दिन अनाथ, विकलांग और गरीब बच्चों की समस्याओं की ओर विशेष रूप से लोगों का ध्यान खींचा जाता है। बच्चों को तोहफे दिए जाते हैं और उनके लिए विशेष समारोहों का आयोजन किया जाता है। इस तरह कई गतिविधियां करते हुए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकताओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। इसकी शुरुआत का निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। इस दिन रूस की राजधानी में कई कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। भारत में आज भी 14 साल की उम्र से 40% बच्चे चाय के होटल, ढाबा, दुकान और मोटर मैकेनिक के अलावा अनौपचारिक क्षेत्र में न्यूनतम वेतन पर काम करते हैं। कुछ तो बेहद मजबूरी में काम करते हैं, या कुछ बच्चों के माता पिता हाथ के हुनर का हवाला देने की बात कहकर उन्हें किसी न किसी काम में लगा देते हैं। इससे उनकी शिक्षा पर गहरा असर पड़ता है। खेलने कूदने और शिक्षा से लेकर उनके भरण पोषण तक हर जगहों पर बच्चों के अधिकारों को अनदेखा किया जाता है। बच्चों के अधिकार क्या है और कैसे हो, इसकी सुरक्षा, इस पर गंभीरता से मंथन की जरूरत है। कानून के जानकारों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाता है, साथ ही 14 से 18 वर्ष के बच्चों को किसी खतरनाक कारोबार या व्यवसाय में काम देता है, तो उसे 6 माह से 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। काम करवाने की सीमा न तय करना और स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी अन्य उल्लंघनों के लिए भी कानून के तहत 1 माह तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। अगर व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है तो वह सिर्फ जुर्माना दे सकता है। बच्चे पारिवारिक व्यवसाय में सहयोग दे सकते हैं। यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इससे उनकी पढ़ाई पर कोई भी असर ना पड़े, इसलिए स्कूल से आने के बाद या छुट्टियों में ही काम कराना चाहिए। सामान्यतः बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को इस कानून के विरुद्ध काम करने की अनुमति देने के लिए सजा नहीं दी जा सकती है।
यदि किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को व्यावसायिक उद्देश्य से काम करवाया जाता है या फिर 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे को किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करवाया जाता है तो यह प्रतिरक्षा लागू नहीं होती और उन्हें सजा दी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के बारे में अब हमने आपको बताया, वहीं आज के दिन मनाए जाने वाले एक और दिवस के बारे में हम बात करेंगे। आज के दिन विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसका मकसद लोगों को दूध व दूध से बने पदार्थों के महत्व बताकर इसे डाइट में शामिल करना होता है। इसके साथ ही डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता आजीविका को बढ़ाना भी है। 1 जून को दुनिया भर में इसे मनाया जाता है। इस दिन सभी संस्थाएं ये बताने का प्रयास करती हैं कि दूध हमारे आहार का कितना जरूरी हिस्सा है और इसके सेवन से क्या फायदे होते हैं। पहली बार विश्व दुग्ध दिवस 2001 में मनाया गया और इस आयोजन में कई देशों ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन ने साल 2001 में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में चुना था। इस दिन डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक विकास, आजीविका और पोषण के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। विश्व दुग्ध दिवस मनाने वाले देशों की संख्या हर साल तेजी से बढ़ रही है। इस दिन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पिछले साल 72 देशों ने विश्व दुग्ध दिवस मनाया था। इन देशों ने लगभग 586 प्रोग्राम्स का आयोजन किया। विश्व दुग्ध दिवस कार्यक्रम में एक विशिष्ट थीम का पालन नहीं किया जाता है। विभिन्न देश सरकारें अपनी अपनी थीम तय करती हैं। वैसे इस साल विश्व दुग्ध दिवस की थीम सस्टेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर अलोंग विद एम्पावरिंग द एनवायरमेंट न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक पर केंद्रित है। संगठन का उद्देश्य दुनिया भर में डेयरी फार्मिंग के महत्व को बताना और डेयरी उत्पादों के लाभों के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना है। हमारे आहार में दूध के महत्व के बारे में बताने के लिए भारत में भी दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति भी दूध को बढ़ावा देने के लिए ही शुरुआत की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति शुरू करने का श्रेय वर्गीज कुरियन को जाता है। वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर को हुआ था, इसलिए भारत में उनके जन्मदिन यानी 26 नवंबर को दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन को दूध मैन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की। लोगों के जीवन में दूध की आवश्यकता और महत्व के बारे में बताना, दूध और दूध से बने उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को आयोजित किया जाता है। लोगों को दूध में मौजूद पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी, पोटेशियम के बारे में बताना और इन्हें इस बारे में शिक्षित करना उद्योगों, अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में दूध के उत्पादों का योगदान के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दूध को संतुलित आहार कहा जाता है जिसमें कई सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए एक ग्लास दूध हमें रोज पीना चाहिए। दूध शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है और कई प्रकार की बीमारियों से हमें दूर रखता है, इसलिए बचपन में बच्चों को दूध पीने की सलाह दी जाती है जिससे उनके शरीर का विकास सही तरीके से हो सके। दूध में मौजूद तत्वों के बारे में बात करें तो इसमें रन, आयोडीन, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलेट्स, मैग्नीशियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 और गुड फैट होता है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे महान अभिनेत्रियों में से एक नरगिस दत्त के बारे में जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं नरगिस दत्त के जीवन के बारे में कुछ रोचक बातें। हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में से एक नरगिस दत्त ने एक से एक बढ़कर फिल्में दी। उनका असली नाम फातिमा राशिद था।
1 जून 1929 में जन्मी नरगिस ने मात्र 5 साल की उम्र में बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस ने अपने शानदार अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, लेकिन साल 1957 में रिलीज हुई उनकी फिल्म मदर इंडिया में उन्होंने एक गरीब महिला राधा का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने तो पसंद किया ही, इसके अलावा ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स तक में गई थी। साल 1958 में नरगिस ने अपने को स्टार सुनील दत्त से शादी कर ली थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो नरगिस ने जिसे भी चाहा उसके लिए पूरी तरह से समर्पित रही। पहले उनकी जिंदगी में अभिनेता राज कपूर आए और फिर सुनील दत्त। आज नरगिस के जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको नरगिस और सुनील दत्त के खास प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे, साथ ही राज कपूर और नरगिस के अधूरी प्रेम कहानी के बारे में भी बताएंगे। अभिनेता राज कपूर और नरगिस ने आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। राज कपूर पहली ही नजर में नरगिस को दिल दे बैठे थे और अभिनेत्री भी उन्हें चाहने लगी थी। विडंबना ये थी कि उस दौरान राज कपूर शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। बावजूद इसके राज कपूर नरगिस से कई बार कह चुके थे कि वो उनसे शादी करेंगे। राज कपूर के साथ 9 साल लंबे रिश्ते के बाद नरगिस को जब ये लगने लगा कि अब राज उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और राज कपूर ना तो अपनी शादी तोड़ सकते हैं ना ही अपने पिता से बगावत कर सकते हैं, ऐसे में नरगिस ने उनके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। जब राज कपूर ने सुनील दत्त के साथ नरगिस की शादी की खबर सुनी तो वे अपने आप को सिगरेट बटों से जलाते थे, ये देखने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। नरगिस के जीवनीकार टीजेएस जॉर्ज लिखते हैं कि इसके बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीनी शुरू कर दी। नरगिस टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी और सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी का काम करते थे। यह पहली बार सुनील और नरगिस की मुलाकात हुई थी। दरअसल नरगिस यहां पर इंटरव्यू देने आई थी। जब सुनील दत्त ने इंटरव्यू शुरू किया तो वह नरगिस को देखकर इतना घबरा गए कि वह कुछ पूछ ही नहीं पाए। इसके बाद दोनों दूसरी बार फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर मिले। नरगिस वहां बिमल रॉय से मिलने आई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में पहुंचे थे। सुनील को देखते ही नरगिस को पिछला वाक्या याद आ गया और वे उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। शूटिंग के दौरान सुनील बार बार नरगिस के सामने नर्वस हो जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन नरगिस ने इस दौरान उनकी काफी मदद की जिससे वो सहज होकर एक्टिंग कर सके। नरगिस की इसी दरियादिली की वजह से सुनील दत्त को उनसे बहुत लगाव हो गया। फिर एक घटना घटी जिसने हमेशा के लिए सुनील दत्त और नरगिस को करीब ला दिया। वहाँ एक सीन को फिल्माए जाने के लिए चारों ओर पुआल बिछाए गए। सीन को फिल्माने के लिए पुआलों में आग लगाई गई और देखते ही देखते आग चारों ओर फैल गई। नरगिस सीन करने के दौरान आग में फंस गई। सुनील दत्त अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। उन्होंने नरगिस को बचा लिया लेकिन वह खुद काफी जल गए। वो इतना ज्यादा जल गए थे कि बार बार बेहोश होने लगे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं नरगिस रोज अस्पताल में जाकर उनकी देखभाल करती थी। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहते थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि जिंदगी तो उन्हें उन्हीं के साथ बितानी है। फिर वो नरगिस को प्रपोज करने से खुद को रोक नहीं पाए और अभिनेत्री ने उनका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों ने मार्च 1958 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। साल 1959 में दोनों ने अपनी शादी के बारे में औपचारिक तौर पर लोगों को बताया और शादी का रिसेप्शन भी दिया। नरगिस को कैंसर की बीमारी थी, उनके पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर्स ने इसीलिए सुनील दत्त को सलाह दी कि वो नरगिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दे, लेकिन सुनील दत्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। साल 1981 में मई माह में संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। नरगिस उस वक्त काफी बीमार चल रही थी। वो संजय की फिल्म देखने के लिए बेचैन थी और उन्होंने बेटे से कहा था कि उनकी तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो और भले ही उन्हें स्ट्रेचर पर ही क्यों ना आना पड़े, वह फिल्म जरूर देखेंगी। वही फिल्म 8 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन 3 मई को नरगिस की
मौत हो गई। तो ये थी अभिनेत्री नरगिस के जीवन की कहानी। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। तो चलिए जानते हैं पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में विस्तार से। एक किसान परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान संभाल चुके हैं। संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र में देश के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक राष्ट्रपति के रूप में देश का कार्यभार संभाला। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति रह चुके नीलम संजीव रेड्डी जी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के झल्लुर नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे तेज बुद्धि के बालक थे। वहीं उनके पिता नीलम चिनप्पा रेड्डी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुके थे। साल 1935 में जब वे 22 वर्ष के थे तो उनकी शादी नागा रिनम्मा के साथ हुई। इन दोनों की शादी के बाद एक छोटा बेटा और 3 बेटियां भी पैदा हुई। संजीव रेड्डी ने भी अपनी शुरुआती पढ़ाई अडियार मद्रास के हाई स्कूल से शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई अनंतपुर के मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में पूरी की। साल 1929 में जब महात्मा गांधी ने अनंतपुर का दौरा किया तब वे उनसे इतने प्रभावित हुए कि वह कट्टर अनुयायी बन गए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और इसके बाद रेड्डी की पूरी जिंदगी बदल गई। नीलम संजीव रेड्डी ने विद्यार्थी जीवन में ही सत्याग्रह में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उन्हें इस दौरान कई बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। नीलम संजीव रेड्डी जी सन 1940 से 1945 तक करीब 5 साल तक जेल में रहे। पहले वे 1 जून 1941 से 18 मार्च 1942 के वेल्लूर की जेल में रहे। इस दौरान उन्हें सरकार ने छोड़ दिया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में एक बार फिर वे गिरफ्तार हुए और उन्हें 11 अगस्त 1942 से सन 1945 तक अमरावती और वेल्लूर के जेल में रहना पड़ा। साल 1936 में नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी के सचिव के पद पर नियुक्त हुए और करीब 10 साल तक उन्होंने इस पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी। साल 1946 में नीलम संजीव रेड्डी मद्रास कांग्रेस विधानमंडल के सचिव बने। देश की आजादी के 2 साल बाद साल 1949 में नीलम संजीव रेड्डी को मद्रास राज्य में वन आवास और निषेध मंत्री बनाया गया। इस पद पर करीब 2 साल तक वे रहे और फिर वे मद्रास विधानसभा चुनाव हार गए। साल 1951 में नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। साल 1952 में अपनी योग्यता और राजनीतिक अनुभवों के बदौलत वे आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए। साल 1956 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ उस दौरान नीलम संजीव रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाकर इस नए राज्य की बागडोर उन्हें सौंपी गई। आंध्र प्रदेश के सीएम बनने के 3 साल बाद ही साल 1959 में रेड्डी ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और फिर उन्होंने साल 1962 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में काम किया। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर काम करने के बाद साल 1962 में उन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया और फिर वे 12 मार्च 1962 में अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए। इसके बाद साल 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री देश के पीएम बने तब उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को केंद्र में स्टील और खान मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद सन 1977 में करीब 13 साल तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के साथ भी कई अहम पदों पर रहते हुए काम किया। वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन की मौत के बाद जब इंदिरा गांधी जी
कि पीएम के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए तब रेड्डी जी को वीवी गिरी से कुछ राजनीतिक कारणों के कारण हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 1977 में उन्होंने आंध्र प्रदेश के नंदयाल लोकसभा सीट से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 1977 में रेड्डी जी को लोकसभा के स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया। इस पद पर भी उन्होंने पूरी कुशलता के साथ काम किया। साल 1977 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी ने निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीता और वे सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले देश के पहले युवा राष्ट्रपति बने। इस दौरान उनकी उम्र 65 वर्ष थी। साल 1982 तक रेड्डी जी ने राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान संभाली। वह इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश के हित में कई अहम फैसले भी लिए। उनके द्वारा जनजाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति का भी गठन किया गया था। इस तरह तीन अलग अलग सरकार इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह के साथ काम करने वाले भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी 1 जून 1996 में 83 साल की आयु में हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नीलम संजीव रेड्डी जी को राजनीति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। हमने जाना आज की तारीख के इतिहास के बारे में, ऐसे ही हर रोज के इतिहास के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।